हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसीब ताहिर। बहुत से दोस्तों के मैसेज आए कि सर, हम मुबाशरत के वक्त अपनी शरीके हयात को मुतमिन नहीं कर पाते। सर, हमें कोई ऐसी मेडिसिन बता दें, कोई ऐसा नुस्खा बता दें जो बेज़रर हो, साइड इफ़ेक्ट से पाक हो, ईजीएस्ट हो, जिसको इस्तेमाल करके हम अपनी शरीके हयात की टाइमिंग के साथ अपनी टाइमिंग को मैच कर सकें। 80 से 90% लोग ऐसे हैं जो हम बिस्तरी के वक्त अपनी शरीके हयात को फारिग नहीं कर पाते, अपनी शरीके हयात को मुतमिन नहीं कर पाते। आज के दौर में अगर देखा जाए तो आदमी का स्टेमिना ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी हद तक छलांग लगा दें 1 मिनट 1.5 मिनट देन 2 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमारी ग़ज़ा ही ऐसी है। दोस्तों, जिस तरह लज़्ज़त हासिल करना मर्द का हक है, इसी तरह औरत को भी उतना ही हक है कि वो भी लज़्ज़त हासिल करें। बहुत से दोस्त बोसो किनार के वक्त फारिग हो जाते हैं, या इंटरकोर्स करने से पहले या इंटरकोर्स करते वक्त ही वो फारिग हो जाते हैं। मर्द फारिग हो गया, उसने अपनी लज़्ज़त पूरी कर ली, लेकिन औरत बेचारी वहाँ की वहाँ ही रही, उसने लज़्ज़त हासिल नहीं की। तो जो मर्द ख़ुद लज़्ज़त हासिल कर लेते हैं, फारिग हो जाते हैं, मज़ा ले लेते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं, अपनी शरीके हयात को डिस्चार्ज नहीं करते, ख़ुद अपनी लज़्ज़त पूरी कर लेते हैं और उनकी शरीके हयात वो लज़्ज़त हासिल नहीं कर पाती, तो दोस्तों ऐसे केसेस में जो शरीके हयात होती है, सबसे पहले वो लकोरिए का मर्ज में मुब्तला हो जाती है, चिड़चिड़ेपन के मर्ज में मुब्तला हो जाती है, और ऐसे बहुत से दूसरे सेक्सुअल वीक डिजीज़ हैं जिसमें वो मुब्तला हो जाती है, सिर्फ़ और सिर्फ लज़्ज़त हासिल ना करने की वजह से। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान नुस्खा बताऊंगा। बाकी हकीम हजरात की तरह आपको 20-20 मेडिसिन की तरह एक लंबा चौड़ा नुस्खा नहीं बताऊंगा, आपको मेन नुस्खा बताऊंगा, जो बेसिक वही 3-4 चीज़ें होती हैं जो मेन नुस्खा में काम आती हैं। तो दोस्तों, नुस्खा आप नोट कर लें। सबसे पहले आपने दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले आपने लेनी है मूसली सफ़ेद, के बाद मूसली स्याह, दोनों मूसलिन लेनी है। उसके बाद आपने दोस्तों लाजवंती लेनी है, और आपने दोस्तों लेना है बईदाना, या आपने हम वज़न ले लेना है। इसको आपने बारीक पाउडर बना लेना है, सफूब बना लेना है। सफूब बनाने के बाद आपने 50 ग्राम इसमें आपने कूजा मिश्री और आपने 20 ग्राम छिलका इस्बगोल इंडियन ऐड कर लेना है। अगर आप छिलका इंडियन इस्बगोल ऐड नहीं करना चाहते तो वो आपकी मर्ज़ी है। ये 4 चीज़ों को आप सफूब बना लें, सुबह शाम आधा चाय का चम्मच आप सुबह और शाम आप दूध के साथ इस्तेमाल करें, लेकिन ये नोट कर लें कि दूध ठंडा नहीं होना चाहिए, वो गर्मियों का सीज़न है, इसलिए नीम गर्म भी आप ना लें, ठंडा भी ना लें, नॉर्मल दूध के साथ आप सुबह शाम इस्तेमाल करें। दोस्तों, सिर्फ़ और सिर्फ आप ये 15 दिन ये नुस्खा इस्तेमाल कर लें। 15 दिन के इस्तेमाल के बाद दोस्तों आपकी टाइमिंग बहुत हद तक बढ़ जाएगी, आपकी मनी गूंद की तरह हो जाएगी, और आपकी जो टाइमिंग है वो अपनी शरीके हयात के साथ इंशाल्लाह अल्लाह के फसल के साथ आपकी शरीके हयात के साथ आपकी टाइमिंग मैच कर लेगी। तो दोस्तों, ये है नुस्खा, बहुत ही आसान नुस्खा है, कोई महंगा नहीं है, बेज़रर है, साइड इफ़ेक्ट से पाक है। दोस्तों, इस नुस्खा को इस्तेमाल करें, 15 दिन इस्तेमाल करें, जो रिज़ल्ट मिले मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।